दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिए सुबह के 5 बजे करंट अफेयर की सीरीज दी जाती है और जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे आज उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के किस राज्य की पहाड़ियों पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिले। आपको बताना है कि कहाँ पर सबसे पुराने, कितना पुराना, तो करोड़ों वर्ष पुराना फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिला है, ये खोज कहां पर हुआ ये आपको बताना है। तो राज्यों के नाम आपके सामने हैं राजस्थान, बिहार, झारखंड और तेलंगाना। दोस्तों इस प्रश्न के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, पता ही है जो जीवाश्म है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी पाई गई हैं जो डायनासोर से रिलेटेड है। जी हां दोस्तों, डायनासोर जिसे हम सिर्फ अपनी कल्पना में समझते हैं, वाकई में कोई देखा नहीं, क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे ऐसा माना जाता है। और माना इसलिए जाता है क्योंकि उनके प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों वो चर्चा एक बार फिर से उभर कर आती है। और याद रखिए इस तरह के जीवाश्म भारत में पहली बार देखने को मिले हैं। और कहां पर मिले हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये मिले हैं झारखंड में। कहां पर? झारखंड। झारखंड दोस्तों बिहार से अलग हुआ था, राज्य बना था, झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड में जो है यह जीवाश्म के जो फॉसिल्स हैं यानी पहाड़ियों पर ये मिले हुए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, लिख रहा है कि झारखंड के साहिबगंज जिले में राजमहल की पहाड़ियों के पास करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिले हैं। इन जीवाश्मों पर जुरासिक काल के पेड़, जुरासिक काल यानी वह काल जिस समय जुरासिक काल ही कहा जाता है। आपने मूवी देखा होगा जुरासिक पार्क। ठीक है, तो जुरासिक पार्क मूवी में आपने डायनासोर की कहानियां सुनी होंगी। ठीक है, तो याद रखें जुरासिक काल जो था उसमें भी डायनासोर हुआ करते थे। लिख रहा है कि जुरासिक काल के पेड़ों की पत्तियों की छाप यानी लीफ इंप्रेशन मिला है जो कि 150 से 200 मिलियन वर्ष पुराने होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जीवाश्म उन पेड़ों के हैं जो कभी शाकाहारी डायनासोर का भोजन रहा होगा, ऐसा माना जा रहा है। आपने देखा होगा जुरासिक पार्क में कई बार ऐसे डायनासोर भी देखने को मिले हैं जो प्योरली क्या थे, वो शाकाहारी थे। और बहुत सारे तो मांसाहारी थे ही, लेकिन शाकाहारी वाले भी देखने को आपको मिले होंगे। ठीक है, तो याद रखेगा उन शाकाहारी डायनासोर के जो भोजन के साधन रहे होंगे वो ये पत्तियां या ये पेड़ रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। अब इस इलाके में जुरासिक काल यानी मेसोजोइक एज के जंतुओं के जीवाश्म मिलने की संभावनाएं एक बार फिर से बढ़ गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा है, इसको थोड़ा आप लोग याद रखेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन 22 से 25 दिसंबर 2020 को करने वाला है, ये कौन सा संस्करण है? देखिए जब जब भारतीय विज्ञान कांग्रेस होता है, ठीक है, ये अधिवेशन जब जब होता है तो याद रखिए इससे एक प्रश्न जरूर बनता है, चाहे आपसे स्थान पूछ देता है, चाहे आपसे टाइमिंग पूछ देता है, चाहे कि कौन सा अधिवेशन है ये आपसे पूछ देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन दे रहा छठा, दूसरा, आठवां और चौथा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों छठा। ठीक है, ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने थोड़ा सा कठिन बना दिया। ठीक है, तो याद रखिए छठा हो जाएगा यहां पर आपका सही उत्तर। देखिए इसके बारे में क्या दे रहा है, लिख रहा है कि 22 से लेकर 25 दिसंबर के मध्य छठा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और ये विज्ञान महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाना है। यह आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचारों यानी इनोवेशन की भूमिका की झलक प्रस्तुत करेगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसको कौन सा मंत्रालय शुरू करता है या चलाता है, इस आयोजन को करता कौन है? तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान भारती भी इसमें शामिल है। ये तीनों संयुक्त रूप से क्या करेंगे, इसका आयोजन करेंगे। अच्छा, इससे भी जरूरी है जो यहां पर दे नहीं रहा है, इससे भी जरूरी कि कहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो इसके पहले वाला कहां पर हुआ था दोस्तों, एक बार तो चेन्नई में हुआ था, उसके बाद लखनऊ में हुआ था और अब जाकर के छठा होने वाला है। ठीक है, और वैसे अभी ऑनलाइन होने जा रहा है तो अभी इसका कोई डेट नहीं आया है। लिख रहा है कि पांचवां संस्करण जो था वो 2019 में हुआ था कोलकाता में, उसके पहले दोस्तों चौथा वाला हुआ था लखनऊ में, तीसरा वाला हुआ था चेन्नई में, और इसके बाद पहला और दूसरा ये दोनों कहां हुए थे, दिल्ली में हुए थे। इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा ये तो कहा गया, तो अभी उसको कहां होगा, कहां तो तब होता ना जब आयोजन किसी स्थान पर होता। कोविड-19 के चक्कर में इस तरह के सभी आयोजन क्या कर दिए गए, रद्द कर दिए गए। ठीक है, तो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही मैक्सिमम मामला जो है वो सॉल्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों ध्यान से।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि देश में पहली बार किस हाईकोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण कहां पर किया? यूट्यूब पर किया। ठीक है, अभी तक आपने सुना होगा, देखिए आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है मुकदमे की सुनवाई की गई, लेकिन यूट्यूब पर लाइव किया गया आपने ऐसा नहीं सुना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सेगमेंट हट जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से, जूम है, तमाम तरह के एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सुनवाई किया गया, लेकिन यहां पर दोस्तों YouTube का माध्यम लिया गया है और YouTube के माध्यम से पहली बार यह प्रसारण किसने किया है? बॉम्बे, गुजरात, पटना या इलाहाबाद हाईकोर्ट। जल्दी से बताइए कौन सा, हो सकता है आपके सामने प्रश्न ना आया हो लेकिन अभी याद कर लीजिए, गुजरात हाईकोर्ट यहां पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने यूट्यूब लाइव के जरिए देश में पहली बार क्या किया है? मुकदमों की सुनवाई किया है। देखिए यहां पर दे भी रहा है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने बीते सोमवार को सुनवाई का पहला सीधा प्रसारण किया है। और सिंपली इसके बारे में बस खाली इतना याद रखिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इसके बारे में जानने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऐसा इसने पहली बार किया है तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। चलिए, टू चाइल्ड नाम्स दोस्तों ये जो है किस राज्य ने शुरू किया है? अच्छा एक बात बता दूं, टू चाइल्ड नाम मतलब, अरे वही जो चाइना वाली नीति है। क्या चाइना वाली नीति है? दो बच्चों वाली पॉलिसी। क्या है? दो बच्चों वाली पॉलिसी। ठीक है, यानी क्या होगा यहाँ पर, टू चाइल्ड पॉलिसी, यानी अधिकतम दो बच्चे हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहला राज्य है, ऐसा करने वाला है चौथा नंबर का राज्य है, चौथा। ठीक है, तो वो राज्य है कौन सा? ये राज्य का नाम है असम। क्या नाम है? असम। ठीक है, असम नाम है और असम था। असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है, आप सभी को पता होगा जो असम ने किया है। ठीक है, तो टू चाइल्ड नाम जो है ये लागू किया है। ठीक है, अब बात आती है कि सर और कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए शायद आपको ना पता हो लेकिन बड़ा सामान्य सा प्रश्न है ये। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी ऐसा है जिसने टू चाइल्ड पॉलिसी लाया है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। ठीक है, संजोग बस देखिए कि तीनों जगह सरकार किसकी है? कांग्रेस की। ठीक है, एक जगह तो शिवसेना है, बाकी अभी बीजेपी आ गई मध्य प्रदेश में, बट राजस्थान में कांग्रेस है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और आपका चौथा राज्य हो गया असम। ठीक है, दो जो क्या किया है, टू चाइल्ड पॉलिसी लाया, लिख रहा है कि जहां सरकारी नौकरी के आवेदन करने हेतु टू चाइल्ड नॉर्म की घोषणा किया गया। अगर दो बच्चे होंगे तभी आप सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे, नहीं तो पात्र नहीं होंगे। आगे देखिए, हाल ही में किस देश के लोगों ने संविधान में बदलाव लाने के लिए जनमत संग्रह की मांग की है? दोस्तों बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, देखिए अभी क्या होता है कि हर देश में शासन चलाने के लिए संविधान हुआ करता है, लेकिन यहां पर जनमत संग्रह किया गया संविधान बदलने को लेकर के। क्यों ऐसा कहा गया? क्या वहां पर कुछ तानाशाही चल रहा था या कुछ गड़बड़ हो रहा था? दोस्तों एक छोटा सा इशू था, बहुत छोटा सा इशू था और यह इतना बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। हुआ क्या था यहां पर दोस्तों, सिर्फ मेट्रो रेल का किराया बढ़ गया था, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी घटना हुई थी, मेट्रो रेल का किराया बढ़ गया था और उतनी बात पर इतना बड़ा बवाल हो गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और बता दूं आपको, दक्षिण अमेरिका का ये जो देश है चिली देश, ठीक है, ये अपने आप में बड़ा समृद्ध देश है। क्यों? क्योंकि यहां पर तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा, 60% पूरे दुनिया के तांबे का उत्पादन अकेले ये देश करता है। तो लगभग वहां की जो पॉपुलेशन है उनके पास अच्छी खासी कमाई, अच्छी खासी इनकम है, उनका आय का स्रोत मजबूत है और उनको जो है किराए से कोई ज्यादा बहुत दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी आंदोलन हुआ। आंदोलन क्यों हुआ? पहली बार दुनिया में ऐसा देखा गया कि आंदोलन लोग अपने लिए नहीं किए, दूसरे के लिए किया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास पैसे हैं, गाड़ियां हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने आंदोलन इसलिए किया कि मेट्रो का किराया बढ़ गया तो ऐसे लोग कैसे सफर करेंगे जिनके पास पैसे नहीं है। उनके लिए इन लोगों ने सड़क पर उतरा। ठीक है, और उतरने के बाद यह आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लिया है, चिली में इतना बड़ा रूप ले लिया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पर संविधान बदलने की मांग आ गई। ठीक है, तो वहां पर वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने यहां पर जनता से दो सवाल पूछे कि आप क्या चाहते हैं, क्या संविधान बदल दिया जाए या फिर संविधान सभा का गठन किया जाए, जो आप में से कुछ लोग करेंगे, जिनको चुनकर भेजेंगे वो संविधान सभा में आएंगे। तो दोस्तों लोगों ने वोटिंग भी किया है और लगभग 70% तक वोटिंग यहाँ पर हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर संविधान बदलने की मांग ये जो है हो चुकी है, जनमत संग्रह भी हो चुका है, ये देश है चिली। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रहा है, हमारे देश में तो ऐसा कुछ होता नहीं, लोग तो अपनी लड़ाई के लिए लड़ते हैं, दूसरों के लिए तो लड़ नहीं सकते। ठीक है, दूसरों के लिए बस वही कैंडल मार्च हो गया, निकल लिए, कभी पुलिस लाठी चार्ज कर ली फिर भूल गए क्या रखा है। ठीक है, जीवन में दो लाठी खाएंगे फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अच्छा, वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है तो याद रखेगा,
सेबेस्टियन पिनेरा, ठीक है, सेबेस्टियन पिनेरा है, ठीक है, काफी समय से राष्ट्रपति थे, लेकिन अब वहां पर जो है चीजें बदल दी जाएंगी, ठीक है, और फिर से संविधान लिखा जाएगा ऐसा माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश के साथ BECA समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है, भारत और किस देश के साथ संधि हुआ है। एक्चुअली बहुत जबरदस्त संधि है, ठीक है, BECA, और इस तरह की कुल 5 संधियां हुआ है, एक संधि नहीं हुआ, तो कुल मिला के 5 संधियां हुआ है, और ये संधि हमने किया है किसके साथ, तो याद रखेगा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के साथ हुआ। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन जो है ये अभी हैदराबाद में किया गया, नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस है, वो हैदराबाद दक्षिण भारत वाला नहीं, वो हैदराबाद हाउस का नाम है, ये नई दिल्ली में है, तो वहां पर किया गया। यहां पर हिस्सा लिया था विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने और राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, इन दोनों लोगों ने क्या किया था, भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया, जबकि अमेरिकी शिष्टमंडल का नेतृत्व अमेरिका के विदेश मंत्री है माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री है मार्क एस्पर उन्होंने किया था, ठीक है। तो उसी समय इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुआ और यहां पर दोस्तों कुल 5 संधियां हैं, तो जरा उनका नाम भी याद रखेगा, जैसे बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट है, ठीक है, MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर टेक्निकल कॉरपोरेशन ऑन अर्थ साइंसेज, ठीक है, अरेंजमेंट एक्सीडेंट द अरेंजमेंट ऑन न्यूक्लियर कॉरपोरेशन, एग्रीमेंट ऑन पोस्टल सर्विसेज, एग्रीमेंट ऑन कॉरपोरेशन इन आयुर्वेदा एंड कैंसर रिसर्च, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, मोटी मोटा ये 5 समझौते हुए, ठीक है। दोस्तों आगे मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर की क्लास में थोड़ा सा विस्तार किया जाए, ठीक है, और इसीलिए दोस्तों इधर बीच 1 नवंबर से हमारी पूरी प्लानिंग है कि हम करंट अफेयर का एक बदला हुआ रूप आपको देंगे, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार आपके लिए अलग अलग वे में करंट अफेयर दिया जा रहा है, बट मुझे लग रहा है कि करंट अफेयर में कुछ बदलाव की जरूरत है, और करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके के प्रश्नों को जोड़ करके भी पढ़ाया जाना चाहिए और करंट अफेयर में विस्तार करना चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्लान चल रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या क्या आते हैं, नितिन सर आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि नवंबर 1 वीक में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यूट्यूब पर, जो लोग भी यूट्यूब पर परेशान हैं और तैयारी नहीं कर पा रहे हैं कायदे से, उनके लिए तो बहुत कुछ हमारे पास है, ठीक है, तो आप जुड़े रहिए बस खाली, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं है, मुश्किल से 3 से 4 दिनों 5 दिनों में ऐसी चीज़ें और ऐसी बेहतरीन बेहतरीन क्लासेज आपको दी जाएंगी कि मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है, फिर आपको लगेगा कि वाकई नितिन सर ने जो बीच बीच में बंक किया ना, इसका फ़ायदा क्या था। चलिए आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखा। अच्छा दोस्तों देखिए, इस तरह की 2 परियोजनाएं रखी गई हैं और 2 बड़े मंत्री इसमें शामिल हैं, एक परियोजना है जिसमें नितिन गडकरी शामिल है और एक परियोजना और है जिसमें राजनाथ सिंह जी भी शामिल है, और दोनों परियोजनाएं जो हैं ये राजमार्ग से संबंधित हैं, ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर नितिन गडकरी 9 नए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रख रहे हैं, और ये रख रहे हैं त्रिपुरा में, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, नॉर्थ ईस्ट वाले जो है राज्य हैं, और जो राजनाथ सिंह जी हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले इसको देख लीजिए, कह रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज त्रिपुरा में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, इन राजमार्गों की कुल लंबाई 262 किलोमीटर तक होगी। त्रिपुरा में बनने वाले इस राजमार्ग परियोजना में कुल मिला के 2752 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, जिससे बांग्लादेश के लिए अंतरराज्यीय यानी जो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो है क्या मिल जाएगा, त्वरित और निर्बाध ढंग से सुधार होगा, बेहद सुधार होगा, क्योंकि जब रोड बनता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, तो आवागमन भी अच्छा हो पाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेगा। बाकी राजधानी अगरतला है, इसके त्रिपुरा के पूर्व में असम और मिजोरम भी स्थित हैं। यहां देखिए, कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 310 के 19.85 किलोमीटर वैकल्पिक संरेखण को समर्पण किया है। NH 310 जो है ये किस राज्य को विभाजित करता है, तो ये विभाजित करता है सिक्किम राज्य को, ठीक है, सिक्किम वही राज्य दोस्तों जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय देशों की सीमाओं को टच करता है, जैसे नेपाल, भूटान और चीन, ठीक है, तो उसको याद रखेगा, चीन की जगह आप तिब्बत भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये NH 310 जो है इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित जो कार्य किया है वो राजनाथ सिंह जी ने किया है, ठीक है। IPL क्रिकेट की तर्ज पर, अभी इस समय IPL चल रहा है ना, ठीक है, तो याद रखिए IPL क्रिकेट की तर्ज पर एक नया प्रोग्राम, एक अनोखा प्रोग्राम लाया है जिसका नाम है प्लास्टिक प्रीमियम लीग, ठीक है, ये प्लास्टिक प्रीमियम लीग दोस्तों कह रहा है कि ये टूर्नामेंट कहां पर खेला जा रहा है, प्लास्टिक प्रीमियम लीग ये अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, और ये कहां पर खेला जा रहा है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, बाकी औरंगाबाद
इलाहाबाद वगैरह वो महाराष्ट्र के ऑप्शन है तो गलत हैं। तो यहाँ पर इंदौर याद रखेगा, इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी में भी आता है तो इसको याद रखेगा। करा मध्य प्रदेश के इंदौर में एक विशिष्ट प्लास्टिक प्रीमियम लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है ताकि शहर को प्लास्टिक से मुक्त किया जा सके। इंदौर को अब तक 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया, वो भी लगातार 4 बार। ठीक है, प्लास्टिक प्रीमियम लीग प्रतियोगिता के लिए चार टीमों का गठन किया गया है और यह 45 दिवसीय प्रतियोगिता में सबसे अधिक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को क्या किया जाएगा, एकत्र करने वाली टीम को पीपीएल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये पीपीएल है, अभी आईपीएल की तर्ज पे चल रहा है, तो याद रखेगा। वह मानव निर्मित झील जिसे आर्द्र भूमि घोषित किया गया, देखिए अभी इसके पहले दोस्तों उत्तराखंड में घोषित किया गया था, उत्तराखंड का पहला था। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए 3-4 झीलों का नाम है, अनूप है, सात ताल है, सुखना है और बायकाल है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें दोस्तों, सुखना जो झील है ये आपका स्पेशली आता है चंडीगढ़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों उसको आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। अभी तक क्या था दोस्तों, शुरू में 27 था, 27 के बाद 10 बढ़ा था, 37 हो गया था, 37 के बाद 1 बढ़ा था, 38 हो जाएगा और फिर से अब 1 बढ़ गया, आपका कितना हो जाएगा, 39 हो गया। पूरे भारत में अभी कितने हो गए, 39 हो गए। तो इस तथ्य को भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। सुखना वेटलैंड जो है ये 565 एकड़ में फैला हुआ है, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए, चंडीगढ़ के पास में है तो इसको ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। बस आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। दोपहर के 12 बजे योगेश सर की क्लास चलती है, उस क्लास को जरूर अटेंड करिए। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाला जम्मू कश्मीर पर। ठीक है, वाकई आपको बहुत ही मजा आएगा। 12 बजे दोपहर में, याद रहिएगा।